हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3। मैम हेलो सर, वेलकम टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। हेलो हेलो, सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस, सो मच एनर्जी। और मैं मैम बता रही हूँ, जब से मैंने ट्रेलर देखा है सूरज सर, जब से मैंने ट्रेलर देखा है, मैं सिर्फ एक ही चीज कह रही हूँ कि मुझे भी एवरेस्ट ट्रैक करना है। बिकॉज फर्स्ट बेस कैंप ट्रैक करने का मेरी बचपन से ख्वाहिश रही है, और ये मूवी देख के इतनी मोटिवेशन मिली है कि मैं अभी से आई एम गूगलिंग कि कैसे जा सकती हूँ, अगर नेक्स्ट ईयर ही मुझे प्लान करना है तो कैसे कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल कॉन्टेंट। थैंक यू। आप सबके अंदर एक अलग एनर्जी दिख रही है, जहां हम लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, हर कोई अपने सोशल मीडिया पर इतने एक्टिवली, इतने अच्छे से प्रमोट कर रहा है मूवी को। सूरत सा काफी हटके इस बार आप हमें नजर आ रहे हो, आपकी स्टोरी काफी हटके नजर आ रही है। क्या चैलेंज आपने लिया था इस फिल्म को बनाने से पहले या स्टोरी लिखने से पहले? देखिए, स्टोरी जो है वो जब मेरे पास बेसिक कहानी आई जी, सबसे पहले मैं थोड़ा चकित हुआ कि ये फिल्म कि मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि ये मेरा पैटर्न, मेरी कहानी थी नहीं, ये मेरी स्टाइल की कहानी नहीं है। मैं कुछ और ही धारा में बह रहा था उस समय। बट ये कहानी जब मैंने सुनी, मतलब ये जो आप कास्ट देख रहे हैं, ये कास्ट के जो पात्र हैं वो सब 60 के प्लस हैं मेजरली, परिणीति को छोड़ के, और सब अपने अपने क्लाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहानी थी जी, एक अपने दोस्त के लिए, एक अपने एक दूसरे शख्स के लिए, और हंसते खेलते, मतलब पॉजिटिव कहानी थी। और लेकिन क्लाइम, जैसे आपने कहा एवरेज, मुझे तो पता भी नहीं था कि बेस कैंप क्या होता है। फिर जब गूगल किया तो पता चला इट्स अ सच अ बिग, मतलब हर साल 300 देशों से लोग ट्रैक करने जाते हैं। आजकल तो योगा कैंप्स होते हैं, मेडिटेशन कैंप्स होते हैं वहां। ये तो आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मैं इंडोर डायरेक्टर हूँ, आउटडोर डायरेक्टर कभी कभी नहीं रहा मैं। बेसिकली आई एम स्टोरी टेलर इनटू अ डायरेक्टर, मैं कोई विजुअल नहीं, आई डोंट हैव लाइक मनी जी और इम्तियाज और समवन दैट बिग विजुअल सेंस। तो बट ये कहानी छूटी नहीं, एंड पेंडेमिक में मैंने देखा कि करेज की कहानी बोलनी पड़ेगी वो, एंड वही मैं चाह, क्योंकि मुझे लगा ये ब्यूटिफिकेशन सब अपनी जगह सही है, पर सबसे ब्यूटीफुल चीज करेज है। तो ये करेज की कहानी है, ऊंचाई चढ़ने की कहानी है, जो हम रोज चढ़ते हैं अपनी, रोज सुबह उठो तो एक नई ऊंचाई है, एक नया फर्स्ट स्टेप है। तो मुझे लगता है ये एक ब्रेक थ्रू, मुझे भी नहीं मालूम कब हुआ, लेकिन मुझे अंदर से एक आवाज आई कि ये एक कहानी बनानी। वाओ, वेरी नाइस। एंड सर थैंक यू सो मच, क्योंकि कोविड के टाइम पे जैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, हर एक इंसान के पास में अपना एक इंडिविजुअल मॉनिटर है, तो परिवार में हर कोई एक कोने में बैठ के अपना अलग कंटेंट देख रहा है। एंड थैंक यू सो मच कि आप वापस पूरे परिवार को थिएटर लेकर जा रहे हो। थैंक यू, बहुत अच्छी सोच कही आप। सारिका जी, आपको वापस स्क्रीन पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एंड काफी जैसा मैंने कहा कि आप सबके अंदर बहुत अलग एनर्जी है, मूवी भी उसी हिसाब की है। आपका तो सूरज सर के साथ एक अलग कनेक्शन रहा है। इस मूवी की स्क्रिप्ट जब आपके पास आई तो क्या आपको खींचा, स्क्रिप्ट खींची या फिर सूरज जी के ऊपर जो आपका भरोसा है वो खींच के लाया? सूरज जी के साथ भरोसा तो काम शुरू होने के बाद हुआ। पहले तो मैं भी सबकी तरह उनकी काम की फैन थी, तो वो पहले एक एस्पेक्ट था, लेकिन सबसे पहले इमोशनल रिएक्शन था बिकॉज राजश्री थी। फिर कोविड, जैसे कहा उन्होंने, कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, तो ईमेल पे मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट मुझे उस वक्त ही बहुत बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा ये उन स्क्रिप्ट में से है जो ज्यादा बोलते ना, रोजमर्रा नहीं बनती ऐसी फिल्में, कभी कभी बनती है, तो उसका हिस्सा होना बहुत जरूरी होता है। और कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जब सूरज जी से मिली तो 10 मिनट में, यही मिले थे इसी ऑफिस में, बस 10 मिनट में वो पूरा सील हो गया था कि यू नो वो क्या जर्नी होगी, कैसी होगी। सो दैट इज इट। और आप किस टाइप के इंसान हो, माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन? मैं जब थोड़ा स्ट्रेस में होती हूँ तो माउंटेन्स चली जाती। तो मुझे लगती है एक फीलिंग, सपोर्ट और बैकिंग की फीलिंग मिलती है मुझे। आई डोंट नो, सेन में लगता है कि कोई एक किस्म की बैकिंग है मुझे। और जब
स्ट्रेस वेस नहीं होता, सब अच्छा था, तो फिर मैं ओशन की तरफ जाती हूँ। फ्रीडम है, फुल एकदम ओपन फीलिंग, बड़े एकदम नेचर नेचर लविंग है। हम लोग कहाँ पे शूट कर रहे हैं और हम लोग की वहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश में भीगना इनको बारिश में भीगने का मजा, बाकी सब टिटोज हैं। वेरी नाइस। और वहाँ नेपाल का क्या मौसम था? नीना जी आप तो वैसे हमको कई बार कोविड के टाइम पे भी आप पहाड़ों पे थे, तो घर ही है। हाँ जी, हाँ जी, घर में घर है। तो नेपाल का कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? ये तो एक सीक्रेट है जो आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि वो अगर मैंने अभी बता दिया तो सारा मजा खत्म हो जाएगा। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। और मैम नीना मैम, आपका तो डेब्यू है अभी सूरज सर के साथ, लेकिन हर एक एक्ट्रेस सूरज सर के साथ हमेशा से काम करना चाहती थी। आपने कब से सोच के रखा था अपनी बकेट लिस्ट में कि सूरज सर के साथ काम करना है? नहीं, बकेट लिस्ट से निकाल दिया था, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मिलेगा कामयाब। बहुत चक्कर लगाए इस ऑफिस के आसपास मैंने 30 साल पहले, इससे भी शायद ज्यादा। उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये तो यहाँ तो दाल नहीं गलने वाली अपनी। तो फिर बस जब ये हुआ तो मैंने कहा ये क्या हो गया लाइफ में, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। एंड मैम, आज मेरी मदर का बर्थडे है, और जब मैंने आज सुबह उनको बताया कि मेरा आप सबसे बात होने वाली है, तो उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि नीना जी को बताना कि मैं उनके कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो जिस तरह के कंफर्टेबल आउटफिट्स भी हम लोग को सोशल मीडिया पर दिखाती रहती है, तो वो भी नोट करती रहती है कि मैं अपने टेलर से ऐसा बनवाऊंगी। थैंक यू, उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, क्या नाम है उनका? लक्ष्मी। आपकी तरफ से विश करवा सकती हूँ। अब मूवी जब थिएटर में आ रही है, कई टाइम अभी काफी टाइम से तो थिएटर में मूवीज आ ही रही है, पर आप लोग को क्या लगता है कि क्योंकि बहुत सारी चीजें बॉलीवुड को लेके सोशल मीडिया पे चलती रहती है, क्या एक अब आपको लगता है कि बॉलीवुड के लिए कुछ चैलेंज क्या खड़ा हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं हमारी मूवीज इतनी कन्विंसिंग होगी कि ये सब तो कुछ कोई बात नहीं है? देखिए, मुझे जो लगता है ना कि जो नॉर्मल आदमी है वो थिएटर में जाता है एंटरटेनमेंट के लिए एंड टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। तो अगर फिल्म अच्छी हो, फिल्म नई हो, फिल्म में कोई अलग बात हो, तो वो जरूर जाएगा इन स्पाइट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी। पहले मुझे याद है जब हम मैंने प्यार किया, हम आपके कौन बनाई थी, तो हम लोग सोचते थे कि हम ड्रीम बेचेंगे, बड़ा घर हो, हम सोचते ही ऐसे थे बड़े घर हो, कितने डांसर्स हो, वो टाइम ऐसा था, कितना बढ़िया कारपेट हो, कैसा लगे कि कितने ब्यूटिफुल, क्योंकि हम ड्रीम बेचते थे। लेकिन आज हम अपने अपने ड्रीम्स भी जी रहे हैं, दो बार तीन बार चलो अब्रॉड चले गए, हॉलिडे भी हो गई, दुनिया देख ली, सब कुछ देख लिया, अब और क्या रह जाता है फिल्म देखने के लिए? तो फिल्म में यार नई कहानी आई, नए कैरेक्टर्स, जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें, एंड जितना रियल के आसपास चले और जितना एंटरटेनिंग, बहुत जरूरी है कि हंसते खेलते देखा जाए, कोई दर्द जीने नहीं जाएगा। राइट। आप दर्द बांट सकते हो पर हंसते हंसते बांटो। तो मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग जाएंगे, बिकॉज फाइनली वी वांट टू गो आउट। या व्हाट अ पॉजिटिव वाइब्स सर फ्रॉम यू। आप सब अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड से कितने कनेक्टेड हो अभी भी, आप सब इंडिविजुअली आप बता सकते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। कोई कॉलेज की फ्रेंड ना? क्योंकि वो मेरे से जब बात करते हैं ना तो अच्छी सी बात नहीं करते, इसलिए मैं उनके साथ संबंध नहीं रखती। अच्छा, उन्हें लगता है अभी आप स्टार बन गए हो? नहीं, ये भी नहीं लगता, ये भी लगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा डेरोगेटरी फीलिंग आती है मुझे। ओके। सारिका जी? मैं स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई। अच्छा, बचपन की कॉलोनी की फ्रेंड्स, नेबर्स? क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल टू मी। नेबर्स जिनके साथ आपने बचपन में खेला होगा? बचपन में कहाँ खेला, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट से बड़े थे हमसे, तो बचपन और उसमें भी तो दोस्त बन ही नहीं पाए। फिर जब थोड़े बड़े हो गए तब दोस्त बनने लगे, और फिर तो वो जो एक बार सिलसिला शुरू हो गया तो फिर वो टच वो खत्म ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो गई लाइफ की।
बट अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स की बात करें तो जब ये कहानी मेरे पास आई तो मेरे को सबसे पहले ज्यादा इन फ्रेंड्स से ईर्ष्या हुई, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड्स रहे हैं और मैं फिल्मों में करते हुए कितनी बार उन्होंने डांडिया में बुलाया, शादियों में बुलाया, मैं बहाना करके अवॉइड कर गया। फिर भी आज इतने सालों बाद मैं ना फंक्शन में गया ना कुछ, आज भी ऊंचाई के लिए वो बोल रहे हैं यार एक बार पिक्चर तो दिखा दे। तो मैं सोचता हूँ कि जिस किस्म के कैरेक्टर्स इस पिक्चर में हुए हैं, मैं वैसा तो नहीं हूँ, इतना सेल्फलेस तो नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज मैं इनके बहाने रिलीव कर सकूं कि देखो कितने फॉरगिविंग है, राइट, कितने फॉरगिविंग और कितना प्यार। फिर भी जो सच्ची दोस्ती है वो तो यही होती है सर, आदमियों में फिर भी होती है, औरतों में बहुत जेलसी होती है। ओहो बाप रे, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता, लगता नहीं, मेरे साथ हुआ है, मेरी तो बेस्ट बहुत ही बहुत करी, नहीं नहीं सबका सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप सब फ्रेंड्स की बात कर रहे हो, मैंने मेरी मदर की फ्रेंड्स को ज्यादा देखा नहीं, माय मदर वाज आल्सो वर्किंग, तो अभी जब मम्मी रिटायरमेंट लाइफ जी रही है तो मैं मम्मी को पूछती हूँ, मम्मी आप क्यों अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करते? मेरी मम्मी कहती है कि क्या हैंग आउट करूं, कैसे उनके साथ मैं जलब करूं, अभी तो वो जो बचपन के दोस्त है वो तो मेरे है नहीं। तो आई अंडरस्टैंड कि हर किसी का एक अलग जर्नी होती है, बट या आई विश कि इस मूवी को देखने के बाद जितने भी 60+ पेरेंट्स होंगे, 50+ पेरेंट्स होंगे, वापस अपने दोस्तों के पास जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी आजकल जैसे हम लोग घर से दूर है तो बात नहीं कर पाते हैं। तो अच्छी अच्छी बातें करती है, आपको पता है बहुत अच्छी बात कर देती है। और मैम आजकल ये भी तो हो गया ना, लोग सोचते हैं डिस्टर्ब मत करो। अब मुझे याद है मेरी मदर के पास उनकी फोन, और क्या कर रही है सुधा, अब और क्या कर रही है कि ने फोन किया है, और क्या कर रही है आज किसी को दम यार डिस्टर्ब, अपन सोचते हैं यार डिस्टर्ब मत कर, पर वो चीज का मजा ही और। मैं करती हूँ सडनली घर पे बैठे और बेल बजती है और आप खोलते हैं दरवाजा, कोई दोस्त है, हम गुजर रहे थे, सोचा चाय पी ले। यू नो आजकल बड़ा कम होता है, नहीं होता आजकल, मिलना हो तो बोलते हैं अच्छा आज क्या है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो ऐसा करते हैं फ्राइडे को या थर्सडे। आई नो, आई डोंट लाइक दैट, या ओके सर, पहले होता था ना, चाय बन रही थी, सब्जी भजी बनने लगते थे, ऐसा होता था। Cool. Coming to my last question, केटी को गाना मेरा अभी टॉप फेवरेट है, मैं सुबह शाम से वही गाना सुन रही हूँ, उसके पीछे की एक स्टोरी अगर आप बता सको, कैसे गाना बना और कैसे बिग स्क्रीन पर सारे एक्टर्स आए उसके लिए। एक्चुअली ये जब गाना कंसीव हो रहा था तो मेरे पास सिचुएशन ये थी कि ये चार मेल फ्रेंड्स हैं और डैनी जी की बर्थडे है और बाकी तीन सब कुछ काम, कोई अपनी वाइफ को झूठ बोल करके, कोई अपने गुस्से में डैनी जी से नाराज है फिर भी जा रहे हैं, और तीसरे अपना काम वाम छोड़ करके जाते हैं क्योंकि एक दोस्त की बर्थडे है। और वो जो सिचुएशन है उसमें जो डैनी जी वो हमेशा अपने दोस्तों को बोलते हैं कि एवरेस्ट लेके जाना है, पर बाकी तीन हमेशा बोर होते हैं एवरेस्ट की बात लेकर के, तो वो बोलते हैं अच्छा वहाँ पे ना खूबसूरत पहाड़ने मिलेंगे, तो पहाड़नों को डिस्क्राइब करना है पर डैनी जी को एवरेस्ट की बात करनी है। तो जब पहाड़न है, ये एज ग्रुप, दिल्ली का माहौल और 50 सालों की दोस्ती, तो मैंने अमित त्रिवेदी ऋषा जी को बोला कि थोड़ा सा मतलब मजेदार गाना हो। अब सब मुझे बड़ी गंभीर लिखते रहे क्योंकि सब बोलते रहे कि नहीं एक तो बुजुर्ग है एक्टर्स और एक तुम्हारी फिल्म है, तो सब बड़ी बड़ी शालीनता से अच्छी पोइट्री गजलें होती रही। फिर मैंने कहा ये छोड़ दो कि ये एल्डर्स है, छोड़ दो कोई सूरज कोई कोई पिक्चर है, आप ये मान के चलो आप यंगस्टर्स हैं, यंग चार लोग हैं और कोई सूरज डायरेक्ट कोई राष्ट्रीय नहीं, ऐसा कोई गाना दो। फिर इन्होंने केटी को वर्ड लिया शाहजी पे, केटी को का मतलब होता है लड़की का नेपाली में, और फिर अमित त्रिवेदी ने गाना बनाया जिसमें लड़की का बर्फ बदन है, लड़की का सुर गगन है। और फिर जब अमित जी और बोमन जी, अनुपम जी, डैनी जी और उनका खुला छोड़ दो आप, तो क्या क्या, फिर हम लोगों ने ऐसा ग्रेसफुल स्टेप्स भी रखा और मैंने सब ये कहा कि दोस्त लोग डांस करें, कोई ऐसा आइडियल स्टेप वेप नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत मजा आया शूट करते, फिर वो नेपाली टोपी पहना के हमने भी काफी गाने को देख के मजा लिया है और अब थिएटर में जाकर भी लेंगे। विश यू ऑल 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 द वेरी बेस्ट
एंड अ रिक्वेस्ट टू सूरज सर, अब फीमेल्स के इस एज ग्रुप के फीमेल्स के ऊपर भी एक स्टोरी बननी चाहिए, एक मूवी बननी चाहिए. बस बस इस फिल्म में आप देखिएगा कोई फीमेल कम नहीं है. ठीक है. फीमेल कैरेक्टर्स ने भी अपनी अपनी क्लाइम की, इनफैक्ट मेरे हिसाब से मोर डिफिकल्ट क्लाइम की है. अब तो पक्का ये मूवी देखने जाना है और सबको अपनी फैमिली के साथ जाना है. थैंक यू सो मच. दिस इंटरव्यू वाज ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड मैं सबको लेके जाऊंगी थिएटर्स. थैंक यू वेरी मच.